बरोरा थाना क्षेत्र के राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय में हैंडपंप में लगे 3 सोलर पैनल को चोरों ने चुरा लिया है, जिसके कारण विद्यालय में बच्चों के पीने के पानी पर संकट उत्पन्न हो गया है। विद्यालय की प्रभारी प्रधानाचार्य आशा देवी ने बताया कि गर्मी की छुट्टी होने के बाद मंगलवार को विद्यालय खोलने का आदेश हुआ। जब हम लोग सुबह विद्यालय पहुँचे और विद्यालय का ताला खोले तो देखा हैंडपंप में लगे 3 सोलर पैनल गायब है, जिसकी लिखित सूचना बरोरा पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। सोलर पैनल चोरी होने से बच्चों के पीने के पानी पर संकट उत्पन्न हो गया है। कब चोरी हुआ? सर क्या मामला था? सर मामला वही सोलर पैनल चोरी हो गया है। कब चोरी हुआ सर? नहीं पता, तो मास्टर को भी नहीं पता चल रहा। स्कूल बंद था ना? स्कूल बंद था। क्या क्या मामला है? क्या मामला है मैडम? सुबह जब हम लोग गेट खोले, गेट खोलने के बाद देखे तो सोलर पैनल पे मजा लिया तो वो तीनों सोलर पैनल गायब था। फिर हम लोग देखा कि कहीं रूम में तो कुछ चोरी नहीं हुआ है, पंखा हुआ तो सारा रूम सब कुछ सही है, लेकिन वही सोलर पैनल उसका तार काटा गया है। पुलिस को सूचना दी है? हाँ, फिर हम थाना प्रभारी को सूचना दी है। थाना प्रभारी आए। क्या नाम है विद्यालय का? उत्क्रमित मध्य विद्यालय जगराई। आपका क्या नाम हुआ? आशा। प्रधानाचार्य हैं आप? जी, प्रभारी।